आत्महत्या करने पड़े, हम वोट नहीं पड़ने देंगे किसी पार्टी को। पर वोट आपका मुझे एक जीरो भी नहीं चाहिए, पर वोट आपका मुझे एक जीरो भी नहीं चाहिए। कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम किसी भी विधायक या मंत्री को वोट नहीं देंगे। यहाँ सभी सरकारें आई और वायदा करके चले जाते कि हम सड़क बनवाएंगे। सड़क नहीं तो वोट नहीं। जसराना विधानसभा के गांव कचमई के ग्रामीणों ने सड़क न बनने से किया विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। भारतीय जनता पार्टी के जसराना के विधायक रामगोपाल लोधी की पत्नी हाथवंत ब्लॉक प्रमुख संध्या लोधी से ग्रामीणों की हुई हॉट टॉक। संध्या लोधी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपका वोट। पर वोट आपका मुझे एक जीरो भी नहीं चाहिए, पर वोट आपका मुझे एक जीरो भी नहीं चाहिए। फिरोजाबाद में 20 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले चुनाव बहिष्कार की बातें भी सामने आने लगी हैं। हम बात विधानसभा जसराना क्षेत्र से आने वाले गांव कचमई की कर रहे हैं, जहां सड़क काफी खराब है, उसमें गड्ढे हैं और वह काफी समय से खराब पड़ी हुई है, जिससे काफी ग्रामीण एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि अगर सड़क नहीं बनी तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं डालेंगे। रोड के बारे में बहिष्कार है, 1.5 किलोमीटर में सड़क है, आज से 15 साल हो गए वोट लेके चले जाते हैं, अभी तक कोई रोड नहीं किया है। क्या आगे हम किसी पार्टी को वोट नहीं पड़ने देंगे। सभी सरकारें आई और वायदा करके चले जाते कि हम सड़क बनवाएंगे, आज तक किसी सरकार ने सड़क नहीं बनवाई। जब उनको समझाने जसराना विधानसभा के बीजेपी के विधायक रामगोपाल लोधी की पत्नी संध्या लोधी वहां पहुंची, जो कि हाथवंत ब्लॉक प्रमुख हैं, तो ग्रामीणों से उनकी काफी बहस हुई और उन्होंने बहस में और गुस्से में यह भी बोल डाला, राशन की दुकान आपकी, मैंने जाजू में अटैच कराई जबकि वो कहीं और जा रही थी, मैंने खुद अटैच कराई। लिसन टू मी, विदाउट आंसर। जब आपकी आवाज थी तो उन 25 सालों में जब सपा सरकार रही तो आपने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हो गए। वहीं चुनाव बहिष्कार की बात से आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का काम किया, लेकिन ग्रामीण अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। SDM जसराना का कहना है कि आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से सड़क नहीं बन सकती, चुनाव बाद सड़क बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी मिली है मुझे कि ग्राम कचवई के लोगों ने कि उनके गांव से एक तरफ जो सड़क जाती है हाथवंत की तरफ, वो सड़क उनकी कच्ची है, तो उसको अपना पक्की करने के लिए, गड्ढा मुक्त करने के लिए उन लोगों की मांग है, जिसको लेकर के उन्होंने ये बहिष्कार करने की धमकी दी है कि अगर हमारे गांव की कोई ये वाली रोड सड़क पक्की नहीं होती है तो हम वोट नहीं डालेंगे। तो लेकर के मेरे द्वारा BDO साहब के साथ, CEO साहब के साथ उनका मुआयना किया गया है और उनको ये आश्वासन दिया गया है कि चूँकि वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई थी, चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, तो इस कारण से अब ये कार्य नहीं हो सकता और चुनाव के बाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।